अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, वेलकम बैक हो गया एक ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। मेरा नाम है निशान और आप देख रहे हैं व्लॉग जी। आज के व्लॉग में हम आए हुए हैं मिंचनाबाद और आज हम आपको दिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त दही भल्ले जो कि पूरे मिंचनाबाद में बहुत फेमस है, बहुत ही मज़ेदार हैं। और ये आप देख सकते हैं ये जो है राजू दही भल्ले वाला बहुत ही फेमस है यहाँ का और बहुत पुराना यहाँ पर ये लगा रहा है। पहले इसके जो वाले साहब थे वो लगा रहे थे, उनके ये पॉइंट था और अभी इन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है। और इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल टेस्ट है, आप यकीन करेंगे पूरे मिंचनाबाद, मकलोलगंज, मंडी सादागंज, पूरे बहावल नगर में इस तरह का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर और आपको इसका टेस्ट करवाते हैं। इसी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये बिल्कुल सामने टी एच के रोड मिंचनाबाद है और उसके साथ ही अगर हम ये आगे जाएँ तो सामने अदालत आ जाती है और उसके साथ ही यहाँ पे राजू दही भल्ले वाला है। और अभी हम चलते हैं अंदर दही भल्लों की तरफ। और अभी हमने हमारे साथ आमिर भाई, आमिर भाई क्या हाल है? ठीक है, करिए से आमिर भाई हमें इस पॉइंट पर लेकर आए, इन्होंने हमें बताया। जी तो व्यूवर्स, अभी हम आ गए हैं राजू भाई के पास और अभी वो हमें दही भल्ले बना के दिखाएंगे और हमें टेस्ट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है राजू भाई? ठीक है जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाए। अच्छा, बस सुना है आपका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, बड़े अच्छा टेस्ट है, तो आज हम ट्राई करेंगे आपके ये दही भल्ले, आप हमें टेस्ट करवाएं। तो व्यूवर्स, ये हमारे जो दही भल्ले ये आ गए हैं और अभी हम इसका टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हैं ये। आमिर भाई ने वैसे बहुत तारीफ़ की है इसकी, ये बहुत मज़े के हैं, लेकिन अभी हम इसकी टेस्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा। ये देख सकते हैं मेरे मुंह में तो ऐसे पानी आ गया। ये जी हमारी देखते हैं बड़ी ज़बरदस्त थी दही भल्लों की रेडी है और इसके साथ ही हमारे पास मीठी चटनी भी है इन्होंने। ये जो मीठी चटनी, इसके अंदर चारों मगज डाले हुए, क्या बात है। और ये हमारे दही भल्ले, इसको हम टेस्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, मेरा ख्याल है पूरे बहावल नगर के सबसे अच्छे दही भल्ले हैं ये। दही पकौड़ी, दही भल्ले हैं, दूसरी दही पकौड़ियाँ होती हैं और दूसरा ये मेरी सबसे फेवरेट है, दही भल्ले सबसे फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जी व्यूवर, अभी हम ये खा लें उसके बाद आपको लेकर आपको बताते हैं कि क्या सीन। बहुत ही मज़ेदार मीठी चटनी के साथ तो और भी मज़े का लग रहा है। आमिर भाई एरिया के बाद ऐसे अगर बात करें तो बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब नेचुरल टेस्ट आता है हर चीज़ का। पकौड़ियाँ हैं, बड़े हैं, वो बहुत अच्छे हैं और साथ में जो उनका दही है वो बहुत अच्छा है, जैसे प्योर मिल्क से बना हुआ है। एरिया टू एरिया बहुत सारी चीज़ें कैरी करती हैं और बहुत अच्छा टेस्ट है। दही भल्ले आपको पता है कि वो बनते ही दही के स्तर पर है और दही इनका बिल्कुल खालिश और प्योर है और इसी वजह से इनका टेस्ट जो है ना वो नॉटली बहुत ज़बरदस्त है। इस एरिया के रेलिवेंट पूरी पट्टी में जो है ना सबसे बेस्ट और बेहतरीन दही भल्ले राजू दही भल्ले वालों के हैं, बेस्ट दही भल्ले। तो व्यूअर्स, अगर प्राइस की बात करें तो असल में हमने दही भल्ले खा लिए हैं, बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही मज़ा आया खा के। अगर प्राइस की बात करें तो जो छोटी प्लेट है वो सिर्फ 50 रुपये में और जो बड़ी प्लेट है वो 80 रुपये में, आप यकीन करें कि 80 रुपये आपके पूरे हो जाएंगे। इतने मज़े के दही भल्ले थे, राजू भाई ने कमाल कर दिया इसमें ना टेस्ट का। तो अभी हम चलते हैं आगे चाय से पीते हैं फिर आप। तो व्यूअर्स, दही भल्ले वगैरह हमने खा लिए और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए और चलते हैं आगे चाय की तरफ।
अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अभी हम चाय वाले पॉइंट पे जाके आपसे मिलते हैं। ये आज हम आए थे मुमकिनाबाद का थोड़ा सा व्यू है, तो हमने सोचा कि दही भल्ले तो खा रहे चले तो उसका ब्लॉग बना के आपसे शेयर कर दिया जाए। अभी हमने दही भल्ले खाए, बहुत ही कमाल मज़े के दही भल्ले थे। और उसके बाद हम चाय पियेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं, चाय पियेंगे। चाय पी वाले पॉइंट पे जाके आपसे मिलते हैं।